साथियों नमस्कार, पाइपिंग एंड मैकेनिकल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे नेसेसरी टूल्स के बारे में, जो ऑयल एंड गैस रिफाइनरी प्लांट, पेट्रोकेमिकल प्लांट या एनी अदर प्लांट में मेंटेनेंस या फैब्रिकेशन का काम करने के लिए यूज किया जाता है। जो मैकेनिकल फिटर, जनरल फिटर, पाइप फैब्रिकेटर को काम करने के लिए ज़रूरत पड़ता है। और जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो टूल से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं उन सभी आवश्यक टूल्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं स्पेनर या रिंच के बारे में। कॉम्बिनेशन स्पेनर, ये मेंटेनेंस में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टूल्स है। इसके एक तरफ ओपन एंड हेड होता है और दूसरी तरफ रिंग हेड होता है। ओपन एंड हेड और रिंग हेड दोनों का साइज सेम होता है। ज़्यादातर रिंग साइड का ही यूज करते हैं, क्योंकि रिंग साइड में स्लिप होने का चांस कम होता है। फ्लैट स्पेनर में दोनों साइड ओपन एंड हेड होता है, जिसका ओपनिंग एंड यू शेप में होता है, और रिंग स्पेनर में दोनों साइड रिंग हेड होता है। नेक्स्ट है हैमरिंग रिंच। हैमरिंग रिंच को हैमर से चोट पहुंचाकर नट बोल्ट को टाइट और लूज किया जाता है, और ऑफसेट रिंच को भी हैमर से चोट पहुंचाकर नट बोल्ट को टाइट और लूज किया जाता है। जिस फ्लेंज में लगातार बोल्ट होता है, जिसमें हैमरिंग रिंच का यूज करने पर उसके पास वाले दूसरे बोल्ट में जाकर टकरा जाता है, तो वहाँ पर ऑफसेट रिंच का यूज करते हैं, जिसका शेप थोड़ा ऑफसेट होता है, जिससे वह दूसरे बोल्ट में जाकर नहीं टकराता और हम आसानी से नट बोल्ट को टाइट और लूज कर लेते हैं। और हैमरिंग रिंच के साथ फिंगर सेवर का यूज करते हैं, क्योंकि हैमरिंग रिंच पर हैमर से जब चोट पहुंचाते हैं तो फिंगर सेवर हमारे उंगलियों को चोट पहुंचाने से बचाता है। स्पर्ड रंच। स्पर्ड रंच को दो फ्लेंज के बीच से गैस्केट निकालने के लिए तथा दो फ्लेंज के बोल्ट का होल मैचिंग करने के लिए यूज करते हैं, जिससे आसानी से बोल्ट को डाल या निकाल सकें, और फ्लेंज के चारों तरफ का फेस अलाइनमेंट करने के लिए भी यूज करते हैं। अगला है रैचेट रेंच। यह दो पार्ट में होता है, रैचेट और सॉकेट। इसको यूज करना आसान होता है, क्योंकि इसको स्पैनर के जैसा बार बार निकालना और लगाना नहीं पड़ता है। एक बार लगाकर नट को फुल टाइट या लूज किया जा सकता है, और इसका उपयोग टॉर्किंग के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है हैमर। हैमर कई टाइप का होता है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहाँ पर जिस के हैमर का जरूरत पड़ता है, वहाँ पर उस टाइप का हैमर यूज करते हैं, जैसे क्रॉस हैमर, स्लैज हैमर, बॉल पिन हैमर, चिपिंग हैमर। जब वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग स्लैग को रिमूव करने के लिए चिपिंग हैमर का यूज करते हैं। क्ला हैमर, कील को ठोकने या निकालने के लिए क्ला हैमर का यूज करते हैं। ऑयल एंड गैस रिफाइनरी प्लांट में हमेशा ब्रास हैमर का यूज करते हैं, क्योंकि ब्रास के हैमर में स्पार्क नहीं होता है। अगर ब्रास के हैमर का यूज नहीं करेंगे तो स्पार्क होने का चांस ज़्यादा होता है, जिससे आग लग सकता है और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैलेट, यह लकड़ी या रबड़ का होता है, जो कम चोट पहुँचाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि मैलेट से जहाँ पर चोट पहुँचाते हैं वहाँ पर चोट का निशान नहीं बनता है। नेक्स्ट है क्रॉबार। इसे होलवारी भी कहा जाता है। क्रॉबार का उपयोग दो फ्लेंज के बीच में गैप करने के लिए या फ्लेंज फेस का अलाइनमेंट करने के लिए तथा दो फ्लेंज का होल मैचिंग करने के लिए यूज किया जाता है। अगला है वैज। जब दो फ्लेंजों के बीच में होल बारी या स्पर्ड रिंच से गैप नहीं बनता है, तो वैज के हेड पर हैमर से चोट पहुंचाकर फ्लेंजों के बीच में गैप बनाया जाता है, जिससे गैस्केट को आसानी से लगाया या चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट है फ्लेंज अलाइनमेंट पिन। यह बोल्टिंग से पहले फ्लेंज के होल में ठोक कर फ्लेंज का एग्जैक्टली अलाइनमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट टूल है एडजस्टेबल पाइप रेंच, चैन रेंच, स्क्रू ड्राइवर। इसका उपयोग भी मेंटेनेंस के लिए किया जाता है। अब आगे जानते हैं पाइप फिटअप या पाइप फैब्रिकेशन में यूज होने वाले आवश्यक टूल्स के बारे में। चाक, जिसका उपयोग मार्किंग के लिए किया जाता है। चाक लाइन, जिसका उपयोग पाइप या प्लेट पर लॉन्ग मार्किंग करने के लिए यूज करते हैं। इससे जहां भी मार्किंग करना होता है, लाइन डोरी के दोनों सिरों को पकड़कर बीच से उठाकर छोड़ देने पर मार्किंग हो जाता है, क्योंकि लाइन डोरी में चाक का पाउडर लगा होता है। पाइप रैप, इसका उपयोग पाइप के राउंड शेप में मार्किंग करने के लिए किया जाता है, जिससे पाइप को वेरियस शेप में काटा जा सके। नेक्स्ट टूल है ट्राई स्क्वायर। इसे गुनिया या राइट एंगल भी कहा जाता है। जब पाइप या स्ट्रक्चर का फिटअप करते हैं तो 90 डिग्री पोजीशन चेक करने के लिए यूज करते हैं, और देखते हैं कि 90 डिग्री
या राइट एंगल में है या नहीं। स्प्रिट लेवल, इस लेवल के अंदर मिनरल स्प्रिट सॉल्यूशन या लिक्विड रहता है जो ग्लास में पैकिंग रहता है जिसमें एक बबल होता है, इसीलिए इसे स्प्रिट लेवल कहा जाता है। जब भी हम किसी भी चीज को चेक करते हैं तो यह बबल इंडिकेट करता है कि धरती के पैरेलल, समांतर या परपेंडिकुलर प्लम में है या नहीं। मास्टर लेवल, मास्टर लेवल का यूज एग्जैक्ट पोजीशन चेक करने के लिए किया जाता है। डिजिटल लेवल का भी यूज मास्टर लेवल के जैसा ही किया जाता है। इसमें किसी भी चीज को चेक करते हैं तो इसमें अंक में दिखाता है कि किस पोजीशन में है। नेक्स्ट टूल है ग्राइंडर। ग्राइंडर चार प्रकार का होता है, एजी 4 इंच, एजी 5 इंच, एजी 7 इंच, एजी 9 इंच। एजी का मतलब एंगल ग्राइंडर होता है। इसका प्रयोग कटिंग, ग्राइंडिंग, बफिंग या रस्ट को क्लीन करने के लिए किया जाता है। एंगल ग्राइंडर के द्वारा जरूरत के हिसाब से डिस्क या व्हील को चेंज करके अलग अलग टाइप का काम किया जाता है। जैसे बफिंग या पॉलिश करने के लिए बफिंग डिस्क का यूज करते हैं, कटिंग के लिए कटिंग डिस्क का यूज करते हैं, ग्राइंडिंग के लिए ग्राइंडिंग डिस्क का यूज करते हैं और वेल्डिंग पर लगे हुए जंग को क्लीन करने के लिए वायर ब्रश डिस्क का यूज करते हैं। अगला टूल है पेंसिल ग्राइंडर। जब पाइप फिटअप करते हैं तो कभी कभी पाइप का थिकनेस दूसरे पाइप से ज़्यादा रहता है, तो पाइप के अंदर पेंसिल ग्राइंडर से ग्राइंडिंग करके थिकनेस कम किया जाता है और कम डायमीटर पाइप के इनसाइड को क्लीन करने के लिए भी पेंसिल ग्राइंडर का यूज करते हैं। पेंसिल ग्राइंडर में बिट्स लगाकर ग्राइंडिंग किया जाता है। बिट्स कई शेप में आता है। बिट्स स्टोन और मेटल का होता है जिससे ग्राइंडिंग किया जाता है। अगला है फाइल, इसे हिंदी में रेती भी कहा जाता है। फाइल ट्रायंगल शेप, स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप, राउंड शेप, हाफ राउंड शेप में आता है। इसका यूज कटे हुए पाइप में बर और रस्ट को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। यह दूसरे धार वाले टूल्स को धारदार बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट टूल है सेंटर पंच। सेंटर पंच के हेड पर हैमर से चोट पहुंचाकर चाक से किए हुए मार्किंग पर निशान बनाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा देर रखने पर चाक से किया हुआ मार्किंग मिट सकता है, इसीलिए सेंटर पंच का यूज करते हैं। और भी अनेक टूल्स हैं जो फैब्रिकेशन में यूज किए जाते हैं, जैसे वाटर होज लेवल, लाइन डोरी, प्लम्ब, स्केल, डिवाइडर या कंपास, प्रोटेक्टर और मेजरिंग टेप, सी क्लैंप, पाइप वाइस, पाइप स्टैंड, फ्लेंज टू होल पिन। फ्लेंज टू होल पिन का यूज फ्लेंज के होल का अलाइनमेंट करके फिटअप करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने फेसबुक फ्रेंड और व्हाट्सएप पर शेयर करें। बी केयरफुल एट वर्क प्लेस एंड टेक केयर।